क्योंकि मारुति जैसी अनसेफ कार भाई वैसे भी इससे ज्यादा चलने लायक है नहीं। और जो लोग बोल रहे हैं ना स्विफ्ट को 4 स्टार मिले, मैं कह रहा हूँ भाई 4 स्टार मिले होंगे जापान में, इंडिया में आप टेस्ट करोगे ना मैं कह रहा हूँ माइनस में जाएगी। तो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी की डिलीवरी हो चुकी है, अभी अपने सामने खड़ी है नई वाली स्विफ्ट LXi 2024, ये इसका बेस मॉडल है। और आज की इस वीडियो में इसका माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। अपन अभी खड़े हैं भारत पेट्रोलियम पर, तो हाईवे माइलेज टेस्ट करेंगे, कुछ किलोमीटर गाड़ी को चलाएंगे और एक ट्रिप को रीसेट कर लेंगे, ट्रिप ए या ट्रिप बी, फिर देखेंगे टोटल गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कितना ट्रेलर हुआ है। अभी मतलब गाड़ी को ना फुल करा लेंगे, बिल्कुल ऊपर तक टैंक को फुल करा लेंगे। ये देखो भाई पेट्रोल डल रहा है और बाद में दिखा देंगे कितने किलोमीटर चली, वापस फिर से इसी सेम पेट्रोल पंप पर आएंगे। तो ये देखो अभी ऑटो कट पे रुक गई है, कंपनी बताती है 37 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, 3 लीटर कंपनी वालों ने डाल के दिया था। उसके बाद हम मुश्किल से 10 या 11 किलोमीटर चले हैं और फिर भी ऊपर इसमें देखो 39 लीटर तेल आ गया, और अब 39 लीटर के बाद हम ऊपर करा रहे हैं, ऑटो कट से ऊपर करा रहे हैं। तो ये देखो और ऊपर बढ़ता जा रहा है, देखते हैं ऑटो कट के बाद कितना तेल आ जाता है। ये देखो ऑटो कट के बाद 40 से भी ऊपर गया, 41 जाने वाला है। ये देखो हो गया भाई बिल्कुल ऊपर, तो भाई ये देख दो हमने बिल्कुल ऊपर तक भरवा लिया है, ऑटो कट के बाद भी मतलब 1.5-2 लीटर और ऊपर आ गया है। तो ये देख सकते हो आप लोग बिल्कुल ऊपर तक, तो ये देखो तो अब जाने वाले हैं हाईवे पर और फिर करेंगे इसका कंप्लीट माइलेज टेस्ट, कितनी क्या कुछ माइलेज दे देती है। तो चलो अभी चलते हैं हाईवे की तरफ और फिर बताते हैं वीडियो के लास्ट में फाइनली कैलकुलेट करके कि क्या कुछ माइलेज आ जाती है इस गाड़ी की। तो कंपनी क्लेम करती है इसकी 26 की माइलेज, क्योंकि अभी ना इसमें इंजन में चेंजमेंट किया है, जेड सीरीज का इंजन आ गया है, 3 सिलेंडर इंजन आ गया है, तो कंपनी उस वजह से इसके माइलेज फालतू क्लेम कर रही है कि अब की बार 26 की माइलेज देगी। 3 सिलेंडर इंजन है, थोड़ी बहुत पावर में भी फर्क पड़ा है, ज्यादा कोई फर्क मतलब पड़ा नहीं है पावर में, माइलेज शो कर रहा है। अभी मेन हाईवे पे चढ़ेंगे हम, तो अब पूरा हाईवे हाईवे पे टेस्ट होएगा, ये देखते हैं फिर क्या देती है माइलेज क्या नहीं। और अभी जो है ना मैं 60 की स्पीड में चल रहा हूँ भाई, तो हाईवे पे भी अपन 80-90 की स्पीड में ही चलेंगे, उससे ज्यादा नहीं चलेंगे, क्योंकि फिर ये 2000 RPM से ना ऊपर चली जाती है, उस चक्कर में बढ़िया माइलेज नहीं मिलेगी अपने को। और इसकी कई सारी चीजें चेंज कर दी, जैसे 80 के ऊपर जाती है ना तो जो बीप बीप की आवाज है वो भी पहले से चेंज कर दी है। देखो एकदम से बोतल वगैरह आई, किसी ने फेंकी उधर से और गाड़ी के नीचे आके टिकी भज। तो अभी जो ना इसकी 17.6 की माइलेज शो कर रहा है, कब जब हम चल चुके हैं भाई लगभग 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर चलने के बाद इसकी जो माइलेज है वो 17.8 शो कर रही है MID। बाकी इसके RPM वगैरह की बात करूँ ना तो भाई 4 सिलेंडर की होड़ ये कर ही नहीं सकता इंजन, क्योंकि अभी जो इसकी स्पीड है ना वो अराउंड 85 के आसपास है और 2000 RPM क्रॉस कर चुकी है गाड़ी, तो एग्जैक्ट 2000 RPM पे ना ये 80 की स्पीड में चलती है। तो मेरे को नहीं लगता भाई ये 80 से ऊपर क्रूज करने लायक गाड़ी है, क्योंकि माइलेज ही नहीं देगी उससे ऊपर। तो इन्होंने ना इस इंजन का सत्यानाश कर दिया भाई, सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो इंजन है ना पहले जब अपन चलाते थे तो अराउंड 2000 RPM पे 90 के आसपास गाड़ी क्रूज कर लेती थी, तो वो जो स्पीड थी ना वो बढ़िया थी, मतलब माइलेज वगैरह बढ़िया निकाल लेते थे आप। लेकिन अब 90 की स्पीड में ये जा रही है लगभग 2200-2300 RPM, और जब 2200-2300 RPM पे भाई कोई भी आप गाड़ी, ये इग्निस वाला हाल कर दिया, इग्निस में भी 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन उस इंजन की जो ट्यूनिंग है ना वो बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि उसके भी 2000 RPM क्रॉस कर जाते हैं 80 के बाद, तो वही सेम सीन इसके साथ हो गया भाई। मेरे को नहीं लगता 25 की माइलेज देगी, कहने वाली बात है, बट ये 18-19 की माइलेज देगी, इससे ज्यादा माइलेज ये दे ही नहीं सकती, नहीं भाई नहीं लग तो नहीं रहा, बाकी देखते हैं भी पता चल जाएगा क्या सीन है क्या नहीं है भाई। अब जो है ना अब अपनी गाड़ी 23.4 की माइलेज शो कर रही है यहाँ पे, और ये 23.4 की माइलेज पता है क्यों शो कर रही है, क्योंकि भाई मैं 80-90 पे क्रूज कर रहा हूँ लास्ट कितने किलोमीटर से, लगभग 25 किलोमीटर से, तो लगभग 26 टोटल चल चुके हैं, लेकिन 1 किलोमीटर हमने वहां थोड़ा लोकल में चलाया था तो उसको आप साइड में हटा दो, तो 25 किलोमीटर में ना इसने लगभग 24 की माइलेज दे दी है। तो अब जो है ना मेरे को लगता है माइलेज बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि एक तो नया इंजन है, नई गाड़ी है, अभी तक ढंग से इंजन खुला नहीं है, तो भाई ये जो माइलेज है ना आगे जाके बढ़ जाएगी और भी। और इंजन की बात करो ना तो भाई इंजन इतना सही है, मतलब पावर जो है ना फील होती है कि हाँ पावर है इसके अंदर, पुराने वाले इंजन से मैं कंपेयर करूंगा पावर के मामले में तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है कि हाँ यार 9 BHP का डिफरेंस मेरे को यहाँ फील कुछ नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है, बट ये जो इंजन है ना और थोड़ा पंची लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे क्या है कि आपको हो सकता है कि जब आप फ्लाईओवर वगैरह पे हो तो शायद अंडर पावर लग जाए, बट नॉर्मल फ्लैट हाईवे पे चल रहे हो तो ओवरटेकिंग में अलग ही मजा है इस इंजन का, तो ओवरऑल जो है ना बढ़िया है इंजन का बिहेवियर। और भाई कैबिन नॉइस और इंजन नॉइस, कैबिन नॉइस भाई आपको देख लो नहीं है बिल्कुल भी, और इंजन नॉइस, इंजन नॉइस भी फील नहीं हो रही है, रोड की जो नहीं इतनी ज्यादा नॉइस अंदर आ नहीं रही है, तो उस हिसाब से जो ना ठीक है इंजन। तो भाई अब जो है ना 24.2 की माइलेज शो कर रहा है, 24.2 की माइलेज भी
बढ़िया शो कर रहा है, वो तो भाई तीन लोग अपन तब जाके इतनी माइलेज शो कर रहा है। तो सोचे यदि अपन होते दो ही लोग या एक अकेला होता तो माइलेज और ज्यादा बढ़िया दिखाती। और ये ना फिलहाल 30-32 किलोमीटर चली है, मतलब कितने किलोमीटर चली है दिखाई देता हूँ, 35 किलोमीटर चल गई। तो 35 किलोमीटर में इसने माइलेज निकाली है। आप सोचो यदि मैं इसको और किलोमीटर चलाता जाऊंगा तो जो इंजन है ना वो और बेटर परफॉर्म करता पाएगा, तो जो माइलेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। फिलहाल जो ना आप ये समझ सकते हो नया इंजन है, उस वजह से थोड़ी सी माइलेज इसकी आप बोलोगे कि हाँ धीरे धीरे बढ़ रही है, बट हाँ कुछ टाइम बाद मैं बोलूंगा कि भाई इसकी जो माइलेज है ना वो बढ़ जाएगी। जब मैं सेकंड या थर्ड सर्विस जब करा लूंगा ना तो इसकी माइलेज लगभग 15% के आसपास जो है ना बढ़ जाएगी। तो भाई अभी तक तो जो है ना काफी बढ़िया माइलेज शो कर रही है, बाकी हाईवे पे है, टेस्ट प्योर हाईवे पे। यदि इसी को मैं सिटी में ले जाऊँ ना तो भाई मेरे को नहीं लगता है 12-13 ज्यादा माइलेज देगी, क्योंकि नया इंजन जो है ना सिटी में इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाता इतना हाईवे पे कर पाता है। तो हाईवे की वजह से ही जो है ये माइलेज शो कर रही है अपने को। ये जो फुल से लगा तो दिए बोनेट पे हर जगह, ये अपने को तारने पड़ेंगे। यदि इसको लेके हम ज्यादा दूर चले गए ना तो ये पूरे निशान छोड़ देंगे, मतलब जो स्क्रेचेस वगैरह है ना छोटी छोटी वो आ जाएगी बोनेट के ऊपर, तो ये अपने को हटाने पड़ेंगे। चलो आरपीएम पे तो ठीक है भाई, ये तो अपने चेंज ही होने, उधर वाला तो गया कहीं उड़ के। आगे तीन फूल लगे हुए और वो पट्टी है पूरी रेड वाली, तो वो हटाने पड़ेंगे सारी चीजें, मतलब कल ही हटा देंगे इसको एक बार घर ले जाके। घर ले जाएंगे भाई हम 12 बजे के बाद, क्योंकि आज सब भाई मंगलवार, और मंगलवार को कहते हैं कि डिलीवरी नहीं लेते। डिलीवरी तो चलो ले ली, बट घर लेके जाएंगे भाई इसको बुधवार को ही भाई तुम्हारा भाई पैदा हुआ था, तो चलो ठीक है अपने जन्म के दिन ही ले जाएंगे इसको। तो भाई अभी जो ना हम थोड़े से ही ट्रैफिक में गए थे, मतलब जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे जहाँ खत्म होता है ना एयरपोर्ट के उधर, तो वहीं लगा लो कि हम 5-6 किलोमीटर ट्रैफिक में चले थे, उसी में जो ना 1 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इसकी ड्रॉप होगी, जबकि इतना बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। तो भाई मैं ये बोलूंगा जब आप ट्रैफिक में जाओगे ना तो माइलेज बहुत जल्दी से जो ना ड्रॉप होती जाती है। तो अभी ये 25 पे थी जब हम ट्रैफिक में नहीं घुसे थे ना उससे पहले, और जैसे हम ट्रैफिक से बाहर निकले मतलब घूम फिर के, तो भाई लगभग इसकी होगी थी 24 के आसपास। अभी वापस से जो है बढ़ रही है एंड 90 की स्पीड पे चल रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही स्लो चल रहे हैं। अब भी हम जो है ना 80-90 क्रूज कर रहे हैं, मोस्टली टाइम जो है ना 90 है, क्योंकि हम लगभग जो है चले थे भाई 8:20 पे और अभी 50 मिनट होगी हमें, तो 50 मिनट में हमने कवर कर लिए इसमें 50 किलोमीटर। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर के हिसाब से आप सोच लो, तो हम सोच रहे हैं कि 70 के आसपास जो है किलोमीटर चलाएं इसको, या फिर 70-80 के आसपास, और तब पता चले कि क्या माइलेज गाड़ी दे रही है। तो फिलहाल तो जो मैं बोलूंगा भाई, तो जिस हिसाब से माइलेज शो कर रही है उस हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता कि पेट्रोल का जो लेवल है वो थोड़ा भी गिरा होगा, तो चलानी पड़ेगी ज्यादा तभी जाके माइलेज पता चलेगी असली। बाकी आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिस भी चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जो है ना हम और डालने वाले हैं। तो ये देखो भाई अभी जो है ना 67.2 किलोमीटर चल चुके हैं हम एक घंटे में, एग्जैक्ट एक घंटा हो गया हमें निकले हुए, और 25.0 की एग्जैक्ट माइलेज शो कर रही है। तो जो माइलेज है ना अभी वो काफी बढ़िया शो कर रही है, बाकी ओवरऑल 80-90 की स्पीड पे हम चले हैं, उससे ना ज्यादा ना उससे कम, क्योंकि यही नॉर्मल यही स्पीड रहती है हमारी चलने की जब हम रोड पे चलते हैं, तो इससे ज्यादा हम नहीं चलते ना ही इससे कम, क्योंकि मारुति जैसी अनसेफ कार भाई वैसे भी इससे ज्यादा चलने लायक है नहीं। और जो लोग बोल रहे हैं ना स्विफ्ट को 4 स्टार मिले, मैं कह रहा हूँ भाई 4 स्टार मिले होंगे जापान में, इंडिया में आप टेस्ट करोगे ना मैं कह रहा हूँ माइनस में जाएगी। तो भाई अभी जो है ना हम हाईवे से उतर चुके हैं और 25.4 की माइलेज शो कर रहे हैं 84.4 किलोमीटर में। तो अभी जो है ना 1 किलोमीटर के आसपास है, मतलब अंदर पेट्रोल पंप, उसी पेट्रोल पंप पे जाएंगे दोबारा से, उसी नोजल से अपन फुल कराएंगे टैंक, और फिर देखेंगे क्या माइलेज निकलती है गाड़ी की। अभी जो है तो रोड थोड़ा सा खराब है, मतलब इसमें 25.4 की माइलेज है ना, ये 25 पे आ जाएगी जब तक हम वहाँ पे पहुंचेंगे तब तक, तो देखते रहना। अभी इतनी जल्दी ड्रॉप मारेगी ना खतरनाक तरीके से, क्योंकि ये जो माइलेज है ना ये अब हो सकता है एक्सेक्ट भी ये शो कर रहा हो सकता है कि भाई ये कम भी शो कर रहा हो सकता है ज्यादा भी, तो वो जो डाउट है ना अपना अभी नेक्स्ट क्लिप में जब आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा। अभी जैसे गड्ढों में मैं थोड़ा बहुत चल रहा हूँ ना, तो क्या है कि गाड़ी में टायर्स की आवाज आती है अंदर गड्ढों में, हाईवे पे नहीं आती, वरना भाई कोई और रेटलिंग नॉइस वगैरह है फिर ऐसा कुछ भी। बॉडी जो है ना थोड़ी फिट सी बना दी, मतलब फिट एंड फिनिशिंग जो है ना वो बढ़िया है मारुति की, तो उस वजह से क्या ना अपने को फालतू की कोई नॉइस वगैरह देखने को नहीं मिलती। हाँ ये है कि भाई टायर इसके थोड़े पतले हैं और रोड थोड़े अपने इंडिया के भाई खराब ही रहते हैं मोस्टली, तो उस चक्कर में बस थोड़ी नॉइस आ रही है। बाकी हाँ आज की डेट में भाई नितिन गडकरी जो है भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो क्या है कि रोड वगैरह अपने को बढ़िया ही मिल रहे हैं, बट कुछ कुछ जगह पे ना अभी भी खराब रोड है, तो इम्प्रूवमेंट हो रही है और होती जाएगी भाई टाइम के साथ। बस आप लोग देख लो भाई किसको वोट दोगे, काम करने वाले को या भाई सिर्फ बातें बनाने वाले को।
मेरे को पता है भाई, जिस हिसाब से मैंने गाड़ी चलाई है ना, माइलेज देगी ही देगी। ये देखो लगभग एक घंटा 20 मिनट में हमने 85 किलोमीटर डन कर लिए हैं। तो अब जो माइलेज आएगी ना भाई, सुकून देने वाली आनी चाहिए, वरना फिर गुस्सा आएगा, क्योंकि भाई इतने प्यार से गाड़ी चलाने पे भी माइलेज नहीं देगी तो फिर क्या ही फायदा है। तो ये लो भाई, अभी अपन ना उसी सेम पेट्रोल पंप पर पहुंच चुके हैं भाई, भारत पेट्रोल पंप। और ये देख लो भाई, अंकल जी खड़े हैं। तो अब टैंक को वापस फुल कराएंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितने किलोमीटर में कितना तेल खाया गाड़ी ने, तो अपनी जो रियल माइलेज है ना वो निकल के आ जाएगी। वहीं तक कराएंगे जहाँ तक अभी टैंक फुल कराया था पहले, मतलब कोई ऑटो कट पर नहीं रुकवाएंगे, फुल करवाएंगे ऊपर तक, बाहर तक जितना तेल आएगा किनारे तक। फुल कर दो भाई, ये देखो भाई 85 किलोमीटर चला दी इतनी देर में भाई, पीछे से सारे आवाज बंद कर दो भाई, बिल्कुल ऊपर तक कराएंगे दोबारा से, ऊपर तक करना, ऑटो कट साइजिंग हो जाएगा अभी। चलो करो, स्टार्ट करो, देखते हैं भाई कितने पे ऑटो कट होता है। ये देखो हो गया भाई ऑटो कट 1.7 लीटर पे, ऊपर तक फुल कर देना इसको, तब रोक देना क्योंकि भाई हो सकता है भाई कहीं पहले तो ज़्यादा डाल दे, कम डाल दे। तो ये देखो बस निकाल लो भाई, तो इतना ही गाइस हमने लास्ट कराया था, ऊपर तक जब आ रहा है ना इतना ही। अब कितना डला है भाई वो आप देख लो, 2.70 के आसपास डला है। तो देख लो भाई 256 का पेट्रोल डल गया है, 2.70 लीटर, मतलब लगभग 3.5 लीटर बिल्कुल ऊपर तक कराया अभी किनारे तक। तो अभी कैलकुलेट करेंगे फिर देखेंगे कितनी माइलेज दी हाईवे। देख लो 85.5 किलोमीटर चली थी अपनी गाड़ी, तो 85.5 ठीक है, उसके बाद भाई इसको डिवाइड कर दो 2.7 से, तो भाई जो माइलेज है 31 की निकली है। मैं यही कह रहा था, मैं कह यार इस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा माइलेज निकाल देगी, तो भाई 31 की माइलेज मतलब भाई कम नहीं होती। अब यहाँ पे जो है ना भाई, अपन ने ओनली हाईवे पे चलाई थी गाड़ी, तो जो माइलेज है ना काफ़ी ज़बरदस्त आई, और कहीं पे भी कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब कोई भाई चीटिंग नहीं करी हमने कि भाई पहले फ्यूल डलवा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ थी मैंने आपको बता दी। ये देखो 8:20 पे निकले थे, 9:42 हो रही है, तो इसमें आप समझ सकते हो कि हम 85 किलोमीटर चलाएंगे या फिर आपको पागल बनाएंगे। तो भाई पागल बनाने वाला काम नहीं है, जो माइलेज आई वो मैंने आपको बताई, एक नंबर माइलेज जो कहते हैं ना भाई, वो माइलेज दी है। तो भाई देख लिया ना आप लोगों ने, 31 की माइलेज दे दी, कंपनी क्लेम कर रही है 25-26 की, तो जबरदस्त माइलेज निकल के आई है। मतलब कंपनी ने कहा था कि इंजन में चेंजमेंट किया है तो उससे माइलेज बढ़ेगी, भाई थोड़ी बहुत नहीं बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर आप लोग हम पे मतलब विश्वास नहीं कर रहे हो कि भाई 31 की माइलेज नहीं दी होगी, तो आप लोग MID पे तो विश्वास करो, 25 की माइलेज दी है, 25 की भी कोई कम माइलेज नहीं है। अभी भी हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और रियल माइलेज आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखा दी, 31 की माइलेज दी है गाड़ी ने। तो मतलब अब देख लो आप लोग, 4 सिलेंडर इंजन ब्लेनो की तरफ जाना है या 3 सिलेंडर इंजन स्विफ्ट की तरफ जाना है। बढ़िया माइलेज चाहिए तो स्विफ्ट पर रुक सकते हो, और भाई 4 सिलेंडर इंजन थोड़े बहुत पावर का फ़र्क चाहिए तो ब्लेनो की तरफ जा सकते हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों के माइलेज टेस्ट कैसा लगा। वीडियो अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जल्दी चैनल पर सिटी माइलेज टेस्ट भी आने वाला है, तो चैनल पर बने रहना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ड्राइव सेफ, बी सेफ।